सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज आपको ले चलते हैं बूटर ट्रैक्टर वर्कशॉप। यहाँ पे बहुत सारे ट्रैक्टर मॉडिफाई होने आए हुए हैं, वन बाय वन करके दिखाते हैं। जैसे ये HMT है, ये फिर मैसी हो गया, ये आइसर हो गया, वो उधर फोर्ड 3600 हो गया, फिर महिंद्रा हो गया, और ये इधर है फोर्ड 3620। काफ़ी पुराना मॉडल है ये भी, और आज तक सारा जेन्युइन था। और इधर ये फोर्ड है, पता नहीं फार्म ट्रैक है, यहीं खड़ा है यहाँ पे एक, और एक ये फार्म ट्रैक 3620 हो गया, फिर ये महिंद्रा हो गया, और एक ये 3600 फिर अड़क खड़ा है, फिर एक ये फार्म ट्रैक एक और खड़ा है, शायद ये फार्म ट्रैक 50 पा होगा। एक ये जीटर खुला पड़ा है, और ये काफ़ी सारे रिम वगैरह टायर वगैरह इनके हिस्से खुले पड़े हैं HMT के। ये HMT के 5911 के मुरगाड़ वगैरह हैं, और ये एक HMT ट्रैक्टर है, इसका भी इंजन वगैरह खोल रखा है, ये इसका इंजन रखा हुआ यहीं पे। और इसका जो आगे का टाइमिंग चैन वाला कवर बदला है, टाइमिंग टप्पा पावर स्टेयरिंग करने के लिए, इसको उस पर पंप लगाया जाता है। और उसके बाद एक ये 5911 खुल रहा है, और ये 5911 ट्रैक्टर जो है भाई तैयार होके शायद कनाडा जाने वाला है, कनाडा या अमेरिका जाएगा। और एक ये फोर्ड ये खुला पड़े यहाँ पर लगता है, मतलब काफ़ी सारे ट्रैक्टर जल्द जल्द तैयार होने वाले हैं यहाँ पे। और ये काफ़ी सारे सनरूफ रखे हुए हैं ROPS, और एक ये बेलारूस ट्रैक्टर तैयार हो रहा है, मॉडिफाई होगा ज़बरदस्त तरीके के साथ। ये इसका यहाँ पे रेडिएटर रखा हुआ है, और हाइड्रोलिक टंकी रखी हुई है लिफ्टो की, और चेसी और स्टेयरिंग रखे हुए हैं। बेलारूस का इंजन देख लो आप, आज अलग दिख रहा है आपको, खुला हुआ कितना लंबा है, कितना लंबा गेयरबॉक्स है, और पीछे से भी इसका गियरबॉक्स दिखा देते हैं आपको। काफ़ी हैवी ड्यूटी है, ज़बरदस्त सिस्टम है इसका भी, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक ये यामा की चेसी है, ये भी इनकी घर की यामा है, उसको तैयार कर रही हैं। और ये बेलारूस का डीजल टैंक पड़ा है, और ये काफ़ी सारे ट्रैक्टरों के पिछले रिम और अगले टायर रिम पड़े हैं, ये जो कि इनको तैयार किया जाएगा। या इसर का बोनट, जीटर के मुरगाड वगैरह रखे हुए हैं, और ये काफ़ी ट्रैक्टरों के जो है मुरगाड़ वगैरह तैयार हो गए, सॉरी रिम वगैरह तैयार हो गए टायर डल के। एक ये इनकी खुद की अपनी जो है जीप है, इसको भी तैयार कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। और एक ये फार्म फोर्ड है, इसका जो है इंजन का काम कर दिया, इसलिए इसको ऊपर से ढक रखा है। और एक ये दूसरे वाला फोर्ड है, इसकी पीछे से ट्यूबें बदल दी हैं। ट्यूब बदलने का कारण था कि ट्रैक्टर को का पिछला हिस्सा जो नए मॉडल वाला बनाना था, ऑयल इमरिस्ट ब्रेक वाला। और ये ट्रैक्टर जो है फोर्ड है, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इस ट्रैक्टर के अंदर आगे का हिस्सा जो है इनका चेंज है। अच्छा, ये 3600 सॉरी आइसर का डीजल टैंक है, और एक ये फोर्ड यहाँ पे तैयार हो लग रहा है, इसका भी सामान खोल रखे है। और एक फोर्ड इसके अलावा फिर यहाँ पे खड़ा है भाई, लगता है इसका भी कुछ काम निमट गया, कुछ रह रहा है, इंजन इसका भी रेडी कर दिया है। या इसर का बोनट वगैरह है, और पीछे मुरगाड़ वगैरह मुरगाड़ पड़े हैं, और वो हाइड्रोलिक टापा पड़ा है लिफ्ट वाला टापा, और ये इनके रिम वगैरह पड़े हैं अगले 2-3 ट्रैक्टरों के। एक ये फोर्ड ये और है, और ये 3600 का अगला हिस्सा पड़ा है भाई, पावर स्टीयरिंग बना दिया उसका, या इसर का अगला हिस्सा पड़ा है। और एक फोर्ड ये तैयार हो लग रहा है, इसका भी अगला चूल्हा बदल दिया है। फोर्ड ट्रैक्टर का तो ऐसा भाई, लगभग लोग पावर स्टीयरिंग तो करवाते ही हैं, और पावर स्टीयरिंग करवाने के लिए अगला चूल्हा और एक्सल बदलने पड़ते हैं। बहुत सारे ट्रैक्टर आए हुए हैं, वन बाई वन करके जैसे जैसे तैयार होते रहेंगे, इनकी वीडियोज हम आपको दिखाते रहेंगे। और काफ़ी सारे हैं, लगभग 6-7 तो फोर्ड हैं। और इसके जो ट्रैक्टर का जो है इनका दोनों ट्रैक्टर का अगला हिस्सा चेंज किया है, ये वे ट्यूबें पड़ी जो उस ट्रैक्टर में से निकली थी। और एक ये जो है अंगद ट्रैक्टर का इंजन पड़ा है भाई कंप्लीट, अगर किसी भाई को चाहिए तो ये इंजन फोर सेल रखा हुआ है, सेल बंद इंजन है अंगद ट्रैक्टर का ये, अगर आप चाहो तो मिल सकता है। ये बूटर ट्रैक्टर वर्कशॉप पर रखे है, ये फिर फार्म ट्रक के आगे शो टापे वगैरह रखे हैं, ये उनके जीप का रेडिएटर वगैरह रखे हुआ अगला हिस्सा रखा है, ये फार्म ट्रक का चूल्हा ले रखे है एक, और एक ये इंजन है, ये आवर होलिंग के लिए तैयार कर रहे हैं इसको। एक ये जीटर का इंजन है भाई,
इसका भी जो अगले टाइमिंग चैन बदला गया, इसका अगला हिस्सा बदला है पावर स्टीयरिंग करने के लिए इसको। और ये देख सकते हो आप गियर का मतलब एक एक नस खोल रखी है, एक एक बैरिंग, एक एक गिरारी को चेक करके जब ट्रैक्टर गियर बॉक्स को इंजन को फिट किया जाएगा, मतलब ट्रैक्टर नाम से पुराना रह जाता है, कागज़ों से बिल्कुल नया कर देते हैं, रंग पेंट, इंजन गियर, बैरिंग, वायरिंग, रिंग पिस्टन, इसका भी अगला हिस्सा देख सकते हो आप, पावर स्टीयरिंग कर दिया, बहुत बढ़िया शानदार लग रहा है ज़बरदस्त तरीके से। और एक ये जो है जीटर का गियर बॉक्स रखा हुआ है, और ये इसकी सामान निकाल रखा है सारा, इसकी फिटिंग करनी बाकी है, और एक ये इंजन रखा हुआ इधर फिर अलग से दूसरे ट्रैक्टर का रखा है। और जी इसके बाद दिखाते हैं जीटर का गियर बॉक्स खुला पड़ा है, और ये भीतर से आप देख सकते हो अंदर की साइड से किस तरह का इसके अंदर कलर वगैरह किया गया है, और एक एक बैरिंग, एक एक सील वगैरह इसकी अलग अलग से नोट करी जाएंगी, और जो कमी होगी वो निकलती रहेगी, और जो प्रोडक्ट ठीक होगा वो डलता रहेगा, जो ख़राब होगा उसको रिपेयर करके नया डालते रहेंगे, रिपेयरेबल होगा रिपेयरेबल हो जाएगा, नहीं तो चेंज हो जाएगा। और ये जीटर का ही जो है अगला हिस्सा था, और यह आइसर का ब्लॉक खोल रखे भाई एक, और यह आइसर का जो है इंजन का सामान पड़ा सारा खुला हुआ, ब्लॉक, गियर बॉक्स, चैम्बर वगैरह सब कुछ यहीं पड़े इसका, और ये यहाँ पे सिलेंडर डलता है इसमें, और ये पिस्टन देख लो भाई, इससे ट्रैक्टर ज़्यादा हंगा क्यों लगाता है, ये पिस्टन देखो आप, आइसर का इतना मोटा पिस्टन होता है, इसी वजह से आइसर जो है बहुत ज़्यादा जोर लगा देता है। ये नए रिम वगैरह, फार्म ट्रक की टंकी का कवर और शो वगैरह रखी हुई है, जिन ट्रैक्टर को ये जरूरत होगी इसमें चाहिए। इसकी सिलेंडर किट होती है आइसर की, जिसके अंदर जो है पिस्टन चलता है, और ये फार्म ट्रक के ट्रैक्टर खड़े हैं, दो तैयार हुए, ये इनका थोड़ा बहुत काम बाकी रह रहा है, इसको भी पावर स्टीयरिंग कर दिया गया है। कलर की क्वालिटी और एक एक पीस आप देख सकते हो किस तरह से एडजस्ट किया गया है, किस तरह से यहाँ पे काम किया जाता है। बूटर ट्रैक्टर जो है बहुत जगह ट्रैक्टर मॉडिफाई होते हैं, लेकिन बूटर ट्रैक्टर हमें क्वालिटी के मामले में बहुत बेस्ट लग गया। और अब एक ही बराबर में दूसरा जो है फोर्ड 3600 तैयार हो गया है, इसका भी थोड़ा बहुत काम बाकी है, समय के रहते इसकी नेक्स्ट वीडियो आपको कंप्लीट होने के बाद ही मिल जाएगी, लगभग 1 वीक के बाद में। ये भी आप देख सकते हो मतलब ज़बरदस्त तरीके से तैयार किए जा रहे हैं, इस पर मेटेलिक कलर किया गया है भाई ऊपर शो पे और रिमो पे भी। और इसके बाद ये देखिए जीटर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयार किया गया है, इसका भी थोड़ा बहुत काम है, 2 दिन के बाद इसकी भी नेक्स्ट वीडियो आ रही है। और मतलब जो भी ट्रैक्टर है यहाँ बूटर ट्रैक्टर वर्क शॉप पर तैयार किए जाते हैं, उनमें एक अलग ही क्वालिटी मिलेगी आपको, एक ऐसी क्वालिटी जहाँ आपको ढूंढने से भी, जो क्वालिटी आपको ढूंढने से भी किसी और ट्रैक्टर वर्क शॉप पर नहीं मिलेगी। देख सकते हो आप किस तरह से मेटेलिक कलर क्या शानदार तैयार किया गया, ये तो फोर्ड से भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है भाई ट्रैक्टर तैयार होने के बाद में। और इसकी अगली वीडियो में हम पूरा बता देंगे आपको क्या क्या कुछ इसमें लग गया है, और क्या क्या इसमें चेंजिंग हुए हैं, क्या कुछ बनाया गया है, मतलब ज़बरदस्त ट्रैक्टर लग रहा है, इसकी कंप्लीट वीडियो हम टाइम लगा देंगे आपको। और एक ये जो स्टैंडर्ड 475 HP वाला है, ये भी ट्रैक्टर तैयार हो लग रहा है, मेटेलिक पेंट के साथ ही तैयार हो रहा है सब कुछ आजकल, जितने भी ज़मींदार हैं सब मेटेलिक पेंट को पसंद करने लग गए। इसके अगले टायर भी आप देख सकते हो कितने बड़े डाले हैं, इन टायरों को अगली वीडियो में आपको प्राइस वगैरह और साइज़ वगैरह सब चीज़ बताई जाएगी। पीछे इसमें 18 के टायर डालेंगे, और 5 गियर वाला गियर बॉक्स होता है ट्रैक्टर में, इसमें इसकी रनिंग जो है काफ़ी तेज़ होती है, जुताई के टाइम भी और सड़क पर चलते टाइम भी, और 4 सिलेंडर इंजन होता है इसमें। आप इंजन के बारे में बता सकते हो तो बताओ ये कौन से इंजन इसमें डला हुआ है, वरना नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाला ही हैं। और इसका ये आगे एयर क्लीनर है रेडिएटर के आगे, और चीज़ तैयार हुई है भी, एक ज़बरदस्त चीज़ है, और बहुत ही जो है मेहनत लगने वाली इसमें, और ज़बरदस्त तरीके से तैयार होगा ट्रैक्टर, और इसके लंबे पायदान हो जाएंगे भाई स्टेट प्लेटफॉर्म के साथ में, ये आपको दिख भी रहे होंगे रखे हुए, एक ज़बरदस्त तरीके के साथ ट्रैक्टर तैयार होने वाला है। और इसके मुर्गाडो की क्वालिटी देख लो अंदर से किस तरह से पेंट वेंट किया गया इस पर, और एक अलग लुक रहेगी इसकी भी। और स्टैंडर्ड 475 ट्रैक्टर को आज भी लोग ढूंढते फिरते रहते हैं कि कहाँ पे मिलेगा कहाँ पे मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त ट्रैक्टर आए थे ये तो पता नहीं कंपनी के साथ क्या हुआ है, उन्होंने निकालने बंद कर दिए, नहीं ट्रैक्टर बहुत बढ़िया थे ये, और शो वगैरह भी इनकी काफ़ी अच्छी थी। साइलेंसर भी इसमें नए मॉडल का लगा दिया जाली वाला, अलग साउंड आएगी आपको, मतलब ज़बरदस्त तरीके से साथ।
और मतलब काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये ट्रैक्टर, खिंचाई भी अच्छी है इसकी 75 HP होने के बावजूद, और स्टार रैपर वगैरह में तो काफ़ी दमदार है। और ये सनरूफ रखी हुई है, फाइबर की छतरियाँ रखी हुई हैं, और इन छतरियों का आप साइज़ देख सकते हो काफ़ी बड़ा साइज़ है। मोस्टली आपको जो है छतरियाँ छोटे साइज़ की मिलती थी, लेकिन इनके पास जो है इन्होंने बड़ी छतरी मंगवाई है। और एक ये इंजन है जो इन्होंने ओवरऑल किया है, फोर्ड का इंजन है, इसका टोटली इसको रिपेयर किया गया है, और कुछ काम अभी इसका बाकी रह रहा है होना, और जल्द इसको भी तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट इम्प्लीमेंट्स और नेक्स्ट परफॉर्मेंस के साथ में, और ज़बरदस्त रहेगी अगली वीडियो। तब तक के लिए सभी ज़मींदार भाइयों को नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बूटर ट्रैक्टर वर्कशॉप की नेक्स्ट वीडियो के साथ।